खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बासिला। दोपहर के 3 बजने वाले, चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं तमाम खबरें। राजधानी जयपुर में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सेंट जेवियर्स स्कूल में परीक्षा के आयोजन की खबर को प्रमुखता से चलाया था। उसी का असर है कि सीबीईओ अनीता लांबा ने स्कूल का दौरा किया और 11 बच्चों की पूरक परीक्षा आयोजित करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को स्वीकार कर लिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे जनता की जीत बताया है। बताएं कि इस मामले में कई सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल चूरू जिले के तारानगर पहुंचे, जहां दिल्ली बीकानेर हाईवे पर एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सभी लोग कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपने रोजमर्रा के कार्य में शामिल करें। श्रीगंगानगर में नगर परिषद और वार्ड पार्षदों में विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक चाणक के नेतृत्व में करीब 3 दर्जन पार्षद कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते से मिले और ज्ञापन सौंपा। पार्षदों के मुताबिक कुछ भाजपा पार्षद अपने निजी स्वार्थ के चलते शहर के विकास को रुकवा रहे हैं। सांसद राहुल कस्वा ने इनलैंड फिशिंग अर्थात झींगा पालन के लिए चूरू के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। सांसद कस्वा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत जिले के अंदर खारा पानी है और इसलिए यहां पर इनलैंड फिशिंग अर्थात झींगा पालन का बहुत बड़ा स्कोप है। ब्यावर में अजमेर रोड स्थित रिको एरिया में गणधर निवार फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री की मशीनें, भवन, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में कामकाज बंद था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पर्यावरण संरक्षण की फैक्ट्री। दरअसल नागौर जिले में एक गांव है रोटू, जो कि सच में पर्यावरण प्रदूषण रोकने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री से कम नहीं है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण जीव दया के साथ संस्कारों का उत्पादन भी करते हैं। बताया कि करीब 500 साल पहले विश्नोई समुदाय के गुरु जम्बेश्वर ने पर्यावरण संरक्षण की एक फैक्ट्री लगाई थी, जिसमें उन्होंने 3,700 पेड़ लगाए थे, जो कि आज वट वृक्ष के समान हो गया है। पर्यावरण संरक्षण के अद्भुत कार्य के माइलस्टोन बनकर ये खड़े हैं। खबर नागौर के डीडवाना से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक चेतन डूडी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आम आदमी को आगे आकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना होगा। जालौर के सांचौर की जी नगर कॉलोनी में महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी को सील कर दिया। साथ ही सैनिटाइजर का छिड़काव करवाकर पुलिसकर्मी तैनात भी किए गए। खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जोरदार बारिश हुई, जिससे सड़कें लबालब भर गई। वहीं धान मंडी में करोड़ों रुपए के गेहूं का नुकसान हुआ। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। अनलॉक वन के तहत जोधपुर का माचिया बायोलॉजिकल पार्क खुल गया है। यहां सरकारी गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना की जा रही है, लेकिन अभी पर्यटक यहां आने में रुचि नहीं दिखा रहे। पिछले 3 दिन में 6-7 पर्यटक ही यहां पर पहुंचे। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर निम्बा निमड़ी स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने वृक्षारोपण किया, साथ ही गायों को चारा भी खिलाया। झालावाड़ जिले में जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी है। धनौदी में श्री बल्लभ तित्ती धागा फैक्ट्री खुल गई है। फैक्ट्री में 4 यूनिट शुरू की गई है। हालांकि यहां 1500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, लेकिन अभी 500 मजदूर को ही बुलाया गया है। लंबित भुगतान नहीं होने से पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने जयपुर वृत्त के काम रोक रखे हैं। जयपुर वृत्त के ठेकेदारों को 31 मार्च तक का भुगतान नहीं किया गया है। जयपुर वृत्त में सभी मंत्री और अधिकारी आवास समेत तमाम वीआईपी आवास और अन्य क्षेत्र आते हैं। कोटा के स्वाति गुप्ता ने अपना पूरा जीवन प्रकृति प्रेम के नाम कर रखा है। स्वाति के घर से लेकर गार्डन तक का कचरा ऑर्गेनिक खाद में तब्दील होता है। स्वाति ने अपने गार्डन में 500 अलग अलग प्रजाति के 5,000 के करीब पेड़ पौधों का सुंदर संसार बसा रखा है।
मॉनसून पूर्व की तैयारियों को लेकर उदयपुर नगर निगम भी पहली बार छोटे बड़े नालों की साफ सफाई के कार्य में समय से पहले ही जुट गया है। शहर में फिलहाल करीब आधे दर्जन से ज्यादा बड़े नाले और दो दर्जन से ज्यादा छोटे नालों की सफाई का काम चल रहा है। उदयपुर जिले में भी वन्य जीव गणना शुरू हो गई है। इसके लिए वन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। जहां सर्वत थी वहां मचान बनाई गई है। पूराभर रेंज में भी 6 पॉइंट पर मचान बनाए गए हैं जहां स्रोतों में पानी भरा गया है। पाली के सुमेरपुर में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें मॉनसून पूर्व तैयारियां समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नगर पालिका सभागार में उपखंड मजिस्ट्रेट IAS देवेंद्र कुमार यादव के सानिध्य में बैठक हुई। नागौर के मेड़ता डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता KR मीणा के प्रमोशन के बाद सहायक अभियंता रामजीवन जाखड़ को अधिशासी अभियंता नियुक्त किया गया है। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद जाखड़ ने अधीनस्थ सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं की बैठक ली। हनुमानगढ़ के रावस्तर में कई गांवों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के प्रेमनगर में 70 लाख रुपए की लागत से बना वाटर वर्क्स एक साल में ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया। वहीं शुद्ध पेयजल नहीं मिलने से ग्रामीण बेहद परेशान है। नागौर जिले के जायल उपखंड क्षेत्र के दुगौली गांव से रूटो जाने वाले सड़क के किनारे खड़े हजारों पेड़ JCB से उखाड़ कर धराशायी कर दिए गए। इन पेड़ों को खेत मालिक द्वारा ही काटकर गिरा दिया गया जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के 3 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में किराना और प्रोविजनल लक्ष्मणगढ़ व्यापार समिति का गठन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से अशोक गाभा को अध्यक्ष बनाया गया। डूंगरपुर जिले में वन विभाग की ओर से वन विभाग के अधीन जंगलों में सुबह 8 बजे से वन्य जीव गणना शुरू हो गई है। गणना शनिवार सुबह 8 बजे तक चलेगी और इस दरमियान पेड़ पर मचान बनाकर बैठे हुए गणनक वाटर पॉइंट पर नजर रखे हुए हैं और वाटर पॉइंट पर आने वाले प्रत्येक जानवर को गणना में शामिल कर रहे हैं। उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ का ज्येष्ठाभिषेक किया गया। ज्येष्ठ मास की तपन से भगवान को ठंडक दिलाने के लिए अभिषेक किया जाता है। बताएं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चंदन एत्र गुलाब जल के साथ दुग्धाभिषेक होता है। बूंदी जिले के बड़े गरड़दा का सपना अभी भी बूंदी वासियों के लिए अधूरा है। बताएं कि 2010 से गरड़दा बांध खाली पड़ा हुआ है। कई इंजीनियर और कंपनियां यहां आई लेकिन इसके सीपेज और बांध में पानी के निकासी को रोकने में असफल रही। अब बांध के निर्माण को पूर्ण करने की विभाग द्वारा तैयारी चल रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जगहों पर संगोष्ठी कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी बीच शाहबाद क्षेत्र के जंगलों में हरे पेड़ों को काटकर खेती योग्य जमीन बनाई जा रही है। ऐसे में पर्यावरण की बिगड़ती सूरत मानव जाति के लिए खतरा साबित हो सकता है। डूंगरपुर में जिला पर्यावरण समिति की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुदपुर आवासीय मॉडल स्कूल में संचालित COVID-19 केयर सेंटर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। इस दरमियान निगेटिव हुए रोगियों ने भी पौधे लगाए। जोधपुर के फलौदी में पानी की बड़ी टंकी के जर्जर होने से गिरने का खतरा बना हुआ है। जर्जर टंकी कभी भी गिर सकती है। बताएं कि संजय नगर के पास जलदाय विभाग की विशाल टंकी बनी है जिसकी लंबे समय से सुध नहीं ली गई है और ऐसे में जिम्मेदारों की अनदेखी आमजन पर भारी पड़ सकती है। अलवर की भिवाड़ी से खबर है जहां सफाई सुपरवाइजर से मारपीट के मामले में कार्य बहिष्कार पर बैठे सफाई कर्मचारियों से चर्चा करने के लिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे। फूलबाग थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे लेकिन सफाई कर्मचारी आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों का ग्राफ बढ़कर 503 पर पहुंच गया है। आज भी 2 नए केस सामने आए। एक केस कोटरी क्षेत्र से तो दूसरा विज्ञान नगर विस्तार योजना से है। इसके अलावा 12 से भी 4 मरीज सामने आए। बारा के मंगरोल में वनाज से भरे ट्रक दिन भर कस्बे की सड़कों से गुजरते दिख रहे हैं जिन्हें खनिज विभाग के नाम का कोई खौफ नहीं है। ऐसे में खनिज माफिया चांदी कूट रहे हैं। लॉकडाउन के चलते चूरू के कई लोग अपने परिवार के दिवंगतों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जाने में असमर्थ हैं। इसी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर भाजपा ने बस के जरिए उन्हें हरिद्वार भेजने का एक अभियान चलाया है। आज उसी अभियान के दूसरे फेज में 35 लोगों को हरिद्वार रवाना किया गया। नागौर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने पौधारोपण करके शुरुआत की। इसके बाद अलग अलग जगहों पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ भी दिलाई गई। उधर भीलवाड़ा में भी नवनिर्माणाधीन भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया और इस दरमियान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पौधे लगाकर पानी पिलाया। पौधारोपण में पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर बूंदी जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण कर और परिंदे बांधकर पर्यावरण दिवस का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रशासन द्वारा पंचवटी नर्सरी में कार्यक्रम आयोजित किए गए।
अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में ततारपुर अजरखा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी के नेतृत्व में हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया। इस दरमियान कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। अलवर के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव चिरोनी में समाजसेवी बालकिशन जोशी और शिक्षाविद डॉक्टर धर्मराज शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने मूक पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों की सेवा और संरक्षण का भारतीय संस्कृति में विशिष्ट स्थान है। चूरू में सैन समाज हितकारी संस्था की ओर से करीब एक दर्जन से अधिक कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया गया। नया बस स्टैंड के पास संस्थान की ओर से डेजराज अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समारोह में बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी मौजूद रहे। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव मुंडनवाड़ा खुर्द में वृद्ध दंपति ने अपने परिवार के साथ मूक पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। राज पुलिस से सेवानिवृत्त थानाधिकारी बिहारी लाल और शांति देवी ने परिंदे लगाकर परिजनों को संरक्षण की शपथ दिलाई। अलवर के मुंडावर से खबर है जहां सरायकला गांव में जसाई रोड पर स्थित एक ढाबे में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया और इन्वर्टर बैटरी गैस सिलेंडर चूल्हे मिक्सर जूसर समेत कई 1.5 लाख रुपए का सामान वहां से चोरी किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। अलवर के मुंडावर के पेहल गांव में करीब 2 महीने पहले हथियारों से लैस 8 से 10 बदमाशों ने देर रात होटल कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने कुख्यात सोनू गुर्जर गैंग के सरगना जॉनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पहले भी 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। लाडन उपखंड के ग्राम निम्बी जोधा के ठाकुर परिवार की लाडली निर्मल जोधा अपने बचपन के शौक निशानेबाजी को पूरा कर रही हैं। बताएं कि निर्मल अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से देखकर उल्टे निशाने साधती हैं। निर्मल इसका श्रेय बचपन से मिली विरासत को देती हैं। उदयपुर जिले के कोराबर थाना क्षेत्र में एक युवती फांसी के फंदे पर झूल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। जोधपुर के लोहावट के पलीना गांव में खसरा नंबर 890 की सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा को लेकर ग्रामीणों ने लोहावट तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सरकारी भूमि से जल्दी अतिक्रमण हटाने की मांग की है। भिलवाड़ा के मानलगढ़ से खबर है जहां एक बालिका ने सुंदर पेंटिंग बनाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल की छात्रा गर्वी सोनी ने पेंटिंग में पेड़ नहीं बचने पर ऑक्सीजन गैस की नीलामी होना दर्शाया है। जोधपुर के लोहावट जाटावास के ग्रामीणों द्वारा पिछले 70 दिनों से दत्तात्रेय मंदिर में आवारा पशुओं के लिए रोजाना गर्म खाना बनाकर खिलाया जा रहा है। बताया कि लॉकडाउन में पशुओं को भूखा देख ग्रामीणों ने इस पहल की शुरुआत की है। चूरू के सरदार शहर से खबर है जहां भानीपुर थाने में विधायक शर्मा के भाई समेत 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर पीड़िता के पिता ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और झूठा बताया। अब मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नागौर जिले के डीडवाना में राजकीय बांगड़ अस्पताल के ब्लड बैंक में मौलासर के बचपन एवं सेवन सेंटर कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक निदेशक संदीप चौधरी ने रक्तदान शिविर लगवाकर अपना जन्मदिन मनाया और 24 यूनिट रक्त एकत्रित किया। अलवर के बहरोड में पर्यावरण दिवस पर RSBCL गोडाउन के पास सेंट्रल अकेडमी स्कूल में पौधारोपण किया गया। स्कूल संचालक ने बताया कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना बहुत जरूरी है। नागौर के खीवसर ग्राम पंचायत के नया सागर तालाब पर श्रमदान किया गया। इस दरमियान ग्राम पंचायत कर्मचारियों नरेगा श्रमिकों और ग्रामीणों ने तालाब पर उगी बबूल की झाड़ियों को काटकर कचरा हटाया। जैसलमेर के नाचना नहरी क्षेत्र में पिछले 2 दिन से मौसम मेहरबान है। सुबह से तेज हवा और गर्जना के साथ जमकर मेघ बरसे जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। झुंझुनू के मंडावा हेरिटेज सिटी में युवाओं ने कस्बे के ऐतिहासिक धरोहरों की साफ सफाई करने का बीड़ा उठाया। युवाओं ने 7 दिवसीय हमारी धरोहर हमारी विरासत अभियान की शुरुआत की है। जालौर में भी तेज गर्मी का दौर जारी है जिसमें दिनों दिन सूर्य के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। जिले में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं गर्म हवा चलने से लोग घरों के बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। पोखरण में अलसुबह मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में रेत का बवंडर छाने के बाद दिन में भी अंधेरा छा गया। वहीं बवंडर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नागौर जिले के जायल उपखंड क्षेत्र के रोटू गांव में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। यहां पेयजल आपूर्ति नियमित नहीं हो पा रही है जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी के नैनवा के नेशनल हाईवे 148 डी हाईवे से जुड़े आम रास्ते पर नाग नागिन के जोड़े की अटखेलियां देखने को मिली। इसी सड़क पर नाग नागिन का जोड़ा 1 घंटे तक प्रेमालाप करता रहा।
नागौर के लाडनू कस्बे के जोधाबास स्थित महिमा मेडिकल के पास छपारा निवासी मदन लाल मेघवाल की बिजली के पोल से करंट लगने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर एएसआई रामनिवास मीणा, विद्युत विभाग के जेईएन और आरएलपी नेता रामकरण रेवाड़ भी अस्पताल पहुंचे। नागौर के लाडनू से खबर है जहां कस्बे के तीन लोकतंत्र सेनानियों प्रकाश चंद वर्मा, सवाई सिंह चौहान और मांगी देवी ने प्रधानमंत्री केयर फंड में 1100-1100 रुपए की राशि के चेक एसडीएम मुकेश चौधरी को सौंपे। नागौर के लाडनू के सदर बाजार की सब्जी मंडी के आसपास बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में खतनी को समाज कंठकों द्वारा मार दिए जाने की घटना से व्यथित लाडनू कस्बे के 11वीं साइंस के विद्यार्थी उत्तम भाटी ने मूक प्राणी रक्षा और सेवा का संकल्प लिया। जोधपुर की बालेसर पुलिस ने टीकमगढ़ गांव में एक रहवासी ढाणी में छुपाकर रखे 77 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। नागौर जिले के परबत्सर क्षेत्र के बडू गांव में हर साल हरियाली अमावस्या के दिन कल्पवृक्ष का मेला लगता है। मेले में लोग कल्पवृक्ष का पूजन और परिक्रमा करते हैं और अपनी आस्था श्रद्धा व्यक्त करते हैं। झुंझुनू में पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली निकाली गई। 16 साल से कम उम्र के बच्चों ने कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली, जिसे समाजसेवी नेमी अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया की नाल के पास एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक टैंकर हाईवे की रेलिंग को तोड़ते हुए करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि चालक की सूझबूझ से टैंकर पलटने से बच गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नागौर के मेड़ता सिटी कृषि उपज मंडी में 8 जून से बिना पंजीयन के काश्तकार ठेरी बोली में अपनी जींस बिक्री के लिए पहुंच सकेंगे। मंडी सचिव राजेंद्र रियाड़ ने इसकी जानकारी दी। मंडी ऑड इवन की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। चूरू के सरदार शहर में देर शाम आई कोरोना रिपोर्ट में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी संक्रमित स्थानीय गांधी विद्या मंदिर में क्वारंटीन में भर्ती थे। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने पहल करते हुए दिवंगतों के अस्थि विसर्जित करने के लिए परिजनों को हरिद्वार और पुष्कर भेजने का बीड़ा उठाया। थानवी ने 23 लोगों की अस्थियां उनके परिजनों समेत 14 लावारिस लोगों की अस्थियां हरिद्वार और पुष्कर भेजवाए। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के मौजपुर में एक मोर की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बीती रात बाइक और साइकिल में टक्कर, गंगानगर रोड पर फार्म ट्रक ट्रैक्टर एजेंसी 18BB के पास हादसा हो गया। कोटा में केशवपुरा और बालकुंडा के व्यापारियों ने 3 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर में रोडवेज का संचालन शुरू भी हो गया, लेकिन निजी बस ऑपरेटर्स ने अभी तक बसें नहीं चलाई हैं। सीपाबड़ौद वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की और पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। नागौर के मेड़ता रोड पर स्पीड से भरी मालगाड़ी के टैंकर का वॉल्व लीक होने का मामला अभी भी खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर ने क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया है। झालावाड़ का झालापाटन क्षेत्र कोरोना हॉटस्पॉट बन गया। ऐसे में उप पुलिस अधीक्षक राजेश यादव और डीएसपी विजय शंकर ने पुलिस टीम के साथ शहर का निरीक्षण किया। सीपाबड़ौद के सार्थल कस्बे में बिना परमिशन के लगे साप्ताहिक हाट को सार्थल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हटवाया। करौली जिला मुख्यालय पर एक साथ 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित कंकरोली के द्वारकाधीश मंदिर के युवराज गोस्वामी नैमिष कुमार ने अपने जन्मदिन पर जिला चिकित्सालय को मेडिकल उपकरण भेंट करने की इच्छा जाहिर की। कोटा शहर में पेयजल संकट की समस्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। बड़ावा के बानोर गांव में पुलिया के नाले को कुछ लोगों ने एक तरफ से बंद कर दिया, जिसमें बारिश के पानी की निकासी रुकने से नाले का पानी सीधा नहर में गिरेगा। राजधानी के चौमू कस्बे में बीती शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इलाके में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, गर्मी से लोगों को राहत मिली। बाड़मेर की लूणी नदी बजरी माफियाओं के कब्जे में है। जिला प्रशासन और खनन विभाग किसी तरह के एक्शन मोड में दिखाई नहीं दे रहा। प्रतापगढ़ में 10 दिन पहले हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर फायरिंग करने वाले बाल अपचारियों को उकसाने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 479 हो गई है। हालांकि मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उदयपुर जिले के सराड़ा तहसील में पिछले दिनों आदिवासी युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय वसु सराड़ा पहुंचे और निरीक्षण किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बाद भी एक डॉक्टर को सोनोग्राफी कोर्ट में प्रवेश के लिए रिलीव नहीं करने पर चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर के शर्मा को कोर्ट के आदेश की पालना करने या 8 जून को कोर्ट में पेश रहने के निर्देश दिए हैं। शहर विधायक राजेंद्र पारिक के प्रयास से अब सीकर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जल्द ही बन सकेगा। सीकर जिला दाता रामगढ़ में बीती शाम आई जांच में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिल गया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है।
हनुमानगढ़ के छाबर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। धौलपुर में कोटला मोहल्ले के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाना प्रभारी रमेश तंवर को ज्ञापन सौंपा। डेगाना में चौल परिवार ने जरूरतमंदों के लिए डेगाना प्रशासन को 10 किलो आटे के 1940 किट सौंपे। व्यापार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस सेवादल के तत्वाधान में शहर के अलग अलग वार्डों में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। राजल देसर में सावरमल श्रीचंद ने आटे के 200 बैग एसएचओ सुरेंद्र राणा और नगर पालिका चेयरमैन गोपाल मारू को सौंपे। कोरोना की जंग में जुटे चिकित्सा कर्मियों का झुंझुनू के चिनाना गांव में पुष्पमालाओं से स्वागत कर आभार जताया गया। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से जाने जाने वाले झालरापाटन शहर में लॉकडाउन के चलते बंद मंदिरों में घंटियों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है। जालौर के भीनवाल से खबर है, जहां पिछले एक महीने से जल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानगंज के मुख्य बाजार में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे। चूरू में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन शाखा की ओर से कलेक्टर संदेश नायक को 800 मास्क प्रदान किए गए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।